हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोनालीज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। और आज का व्लॉग है मम्मी के ऊपर डेडिकेटेड, बिकॉज आज है मम्मी का बर्थडे। सो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए और लंच भी करके आएंगे बाहर ही, बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया और बाहर से कुछ खाया नहीं है हमने। सो मम्मी का बर्थडे था और थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने का हमने सोचा। सो घूमने से बेटर और क्या ही हो सकता है, घर पे तो हम लोग हमेशा ही रहते हैं। सो आज हम लोग जा रहे हैं पालमपुर एंड देखते हैं कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करते हैं। छोटा मोटा जो काम होता है हमें वो भी हम करके आएंगे और मम्मी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। सो यहाँ पर मैं भी हो चुकी हूँ रेडी और इग्नोर द मेस बिकॉज मैंने कपड़े चेंज किए थे, मैंने वहीं पर लटका दिए हैं और मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब बस चलते हैं बाहर। सो बस अभी हम निकल रहे हैं जाने के लिए। मम्मी को भी दिखा देती हूँ, बर्थडे गर्ल को। ये रही मम्मी, बैक कैमरा से दिखाती हूँ मम्मी की ड्रेस। सो मम्मी ने पहना है आज ये ड्रेस, न्यू सूट है मम्मी का और मम्मी है रेडी एकदम जाने के लिए। चलो, डैडी तो नीचे चले गए हैं एकदम वहाँ पर, और वहाँ तक अभी पैदल ही जाना पड़ेगा हमें क्योंकि डैडी चले गए थे जल्दी और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो गुस्से में भाग गए होंगे वहाँ पे। मम्मी भी उतर रहे हैं और ये देखने में चढ़ाई ऐसी लगती है लेकिन है बहुत ऊंची है। जब चढ़ते हैं ना ऊपर तब तो तब लगता है असली पता चढ़ाई का। सो नहीं, आप बैठो। आप रुक नहीं सकते थे? ये देखो बैठे हैं गुस्से में, ये देखो कैसे देख रहे हैं। बीच में नर्सरी मिली है तो मम्मी रुक गए हैं यहाँ पर। कितने सुंदर ज़्यादा फ्लावर है यहाँ पे। घर पे कितने भी फ्लावर्स हो लेकिन इनको लेके ही जाने होते हैं। नर्सरी में आते हैं ना तो मन करता है कि सब कुछ ही ले जाएं, बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं। बट अभी हमारे घर पे वैसे भी बहुत लगे होते हैं बट कुछ कुछ ख़त्म हो गए, वो मम्मी को चाहिए थे। वाओ, यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्लांट फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे देखो यहाँ पर। और अभी हम जाएंगे फ्लावर वहाँ पे, ट्यूलिप गार्डन लग रखा है पालमपुर में ना, वहाँ पर CSIR में, वहाँ पर भी जाएंगे हम, तो और भी सुंदर फ्लावर्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है नर्सरी सुंगल की, जिसको हाँ ये सुंगल की नर्सरी है। सो यहाँ पर बहुत सुंदर मिलते हैं फ्लावर यहाँ पर, और ये तो सीज़न भी है आजकल फ्लावर्स का, बहुत सुंदर लग रहे हैं। मम्मी के गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, मम्मी के फेवरेट। न्यूज़पेपर कौन सा है? अरे न्यूज़पेपर
मम्मी का बर्थडे गिफ्ट तो हो गया। अभी यहाँ से तो नर्सरी से हमने फ्लावर्स ले लिए, जाते जाते ले लिए। अभी तो हमने पालमपुर जाना है। अभी हम लोग जाएंगे ट्यूलिप गार्डन। सो ट्यूलिप गार्डन खुला है यहाँ पर। वैसे तो कश्मीर में होते हैं ज़्यादातर ट्यूलिप, और यहाँ पर भी जो CSIR है, यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, सो यहाँ पर उन्होंने अपने तरीके से हार्वेस्ट किए हुए हैं यहाँ पर फ्लावर्स। और हर एक सीज़न में, हर सीज़न में नहीं, मतलब हर साल जनवरी फेब के टाइम पर वो ट्यूलिप गार्डन लगाते हैं यहाँ पर। और अभी हम लोग वही देखने जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना, तब मैं मार्च के टाइम पे गई थी, सो तब तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए थे। और इस बार हम लोग अभी जाने वाले हैं, जो देखते हैं। वैसे आज सैटरडे है, ऑफ होता है, यूनिवर्सिटी तो बंद होती है, बट आई थिंक वो CSIR तो खुला ही होगा। सो देखते हैं वहाँ पर चल के, और वहाँ पर देखते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं, वहाँ पर व्यू भी इतना सुंदर आता है और फ्लावर्स भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये रहा CSIR, और यहाँ से अंदर हम एंट्री लेंगे तो ट्यूलिप गार्डन है। चलते हैं अभी, गार्डन शायद से बाहर ही लगानी पड़ेगी। सो ऊपर जा तो रहे थे, बट गाड़ी जो है नीचे ही पार्क करनी पड़ेगी, बिकॉज ऊपर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, क्योंकि आज सैटरडे है ना, सेकंड सैटरडे, तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रखे हैं वो देखने के लिए यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन, और इस वजह से ना काफ़ी भीड़ होगी ऊपर। सो पार्किंग हमें नीचे करनी पड़ेगी और पैदल चल के जाना पड़ेगा, दूर है और पैदल चलने के लिए थोड़ा सा। यहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर है। तो वो भीड़ नहीं थी ना ऊपर, ऊपर अभी भीड़ हो गई ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पर हम गाड़ी नहीं लेकर आ पाए थे। सो गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं ट्यूलिप गार्डन में, जो कि है पालमपुर में सिचुएटेड, और CSIR है वहाँ पर है ये, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्यूलिप्स कलर यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेड है, येलो है, वाइट है, पिंक है, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं। और ये जो हिमाचल का फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन है पालमपुर में ये, और ये 2022 में बना था, ये 2022 में था ये सबसे पहला ट्यूलिप गार्डन, तब बना था ये। और अब हर एक सीजन में, हर एक विंटर में ये लगता है। और जो आप पहाड़ देखते हैं ना पीछे से, इतना सुंदर व्यू आता है, लाइक यहाँ पर हम फूलों के बीच में चल रहे हों और साथ ही में आपको पहाड़ों पहाड़ दिख रहे हैं स्नो के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और टूरिस्ट पता कहाँ कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर, कई लोग पंजाब साइड से भी आ रखे थे देखने के लिए, और यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा धर्मशाला से आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जब हम गए थे तब भी बहुत ज़्यादा थी भीड़, और टूरिस्ट जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी लेकर आते हैं स्कूल वाले यहाँ पर। और इस बार भी ये लगा था, लाइक मैं लास्ट ईयर भी गई थी, लेकिन तब के टाइम पे ना ये ख़त्म हो गए थे ट्यूलिप। मैं मार्च के टाइम पे गई थी, तब उतना ज़्यादा थे नहीं, कुछ कुछ ही रो बची थी। और इस बार इसलिए हमने जैसे ही खुला था ना, उसी के कुछ टाइम में ही चले गए थे, और यहाँ पर हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। और आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताना। और अभी ना हमारे भी रिलेटिव्स काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है ना, क्योंकि हिमाचल का फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन है वो भी आपके घर के पास, तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। सो अभी आप लोग एंजॉय करिए, और जो यहाँ के पालमपुर के पास है ना, ज़रूर ट्यूलिप गार्डन एक बार विज़िट करना। बस फिर हमने ट्यूलिप गार्डन घूमा और फिर हम लोग चले गए अपनी पेट पूजा करने के लिए। सो एज़ यूजुअल हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन जो है, हमारा जो फेवरेट रेस्टोरेंट है ताज रेस्टोरेंट, हम लोग वहीं पर ही चले गए थे लंच करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पर गए नहीं थे। और इस बार यूजुअली तो हम लोग हमेशा चिली पनीर और बटर नान ही मंगवाते हैं, और इस बार भी मंगवाया है हमने, लेकिन इसमें हमने एक चीज़ एक्स्ट्रा मंगवा ली थी, मलाई कोफ्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ की हम एक और स्पेशलिटी लग गई अच्छी, हमें बहुत पसंद आया था ये मलाई कोफ्ता भी। सो मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है जब मैं एडिट कर रही हूँ।
ये रहा मम्मी का गिफ्ट जो मैंने दिया है मम्मी को, जुतियाँ। और कैसी लग रही हैं आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वाइट कलर की है और मुझे तो बहुत पसंद आई थी ये। सो ये रही। और डैडी ने तो गिफ्ट दे ही दिया था फ़ोन, वो पहले ही दे दिया था मम्मी को। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ घर और पालमपुर तो हमने घूमा ही नहीं और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैं अभी अभी ही जस्ट घर पहुंची हूँ एंड आप सोचोगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मैं ही अकेली घर आई हूँ वापस और मुझे बस में आना पड़ा। सो मम्मी डैडी को कुछ काम था और हमने जस्ट वही हुआ आज की ट्यूलिप गार्डन घूमा और लंच किया एंड देन लंच करने से सीधा डायरेक्ट हम घर ही आए हैं। फटाफट से लंच किया तो मैं तो घर आ चुकी हूँ। मम्मी डैडी अभी आएंगे जब भी काम ख़त्म होगा, जैसे ही रात ही शाम हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। और मैं तो बस से आई हूँ और जहाँ गाड़ी में आधा घंटा लगता है ना, अगर 20 मिनट लगते हैं बैजनाथ से यहाँ आने में, बस में 1 घंटा लगा दिया उन्होंने। उफ, इतनी स्लो चल रही थी बस। सो बस अभी मैं चेंज करती हूँ एंड रेस्ट करती हूँ और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा बर्थडे। और मम्मी को विश कर देना, ब्लॉग ऑब्वियसली लेट ही जाएगा लेकिन फिर भी मम्मी को विश कर देना अपनी अपनी तरफ से सभी। और कुछ ऐसा रहा मम्मी का बर्थडे, हमने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया। ओ, मम्मी का गिफ्ट भी है, शिट। सो वो जो है ना, मैं मम्मी का गिफ्ट मैं पहले ही ऐड कर दूंगी। सो बीच में ऐड कर दूंगी वो कि जो मैंने मम्मी को बर्थडे गिफ्ट देना है। सो ये वाला व्लॉग आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।